नमस्कार दोस्तों, लॉयड स्टील में कल राइट इशू अनाउंस होने वाला है और इसी के बारे में हम लोग एक छोटा सा प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि कितना राइट इशू आ सकता है, रेशियो क्या रहेगा, कितने नंबर ऑफ शेयर रहेंगे और अगर हम लोग देखेंगे तो क्या उनका प्राइस रहेगा, ठीक है ना, और रेशियो क्या रहेगा। इसी तीनों सवाल का जवाब है कि कितना क्वांटिटी इशू करेगी, प्राइस और रेशियो, ये तीन चीज़ क्या रहने वाला है। उसी के लिए यहाँ पे मैं जो है BSE से इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो है डाटा निकाल लिया हूँ कि टोटल कितने इक्विटी शेयर हैं, तो कितने इक्विटी शेयर पे कितना इक्विटी शेयर कंपनी दे सकती है, ये प्योर एक तरह से कह लेंगे कैलकुलेशन मैं करने वाला हूँ, हालांकि राउंड फिगर में ही कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया है 25 जुलाई 2024 को इसका एक अपडेट आया था जिसमें कंपनी ने कहा था कि हम जो है अनऑडिटेड अपना फाइनेंशियल रिजल्ट 30 जून 2024 वाला घोषित करने वाले हैं, एक नंबर पे। दूसरे नंबर पे यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि हम प्रपोजल रख रहे हैं फंड रेजिंग के लिए और वो फंड रेजिंग टोटल जो है 1200 करोड़ या 1200 करोड़ रुपए की होने वाली है, मतलब 1200 करोड़ रुपए हम जो है सीधा सीधा कह लेंगे जुटाने वाले हैं। इसमें ये प्रेफरेंशियल शेयर, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू का कई सारा जो है ऑप्शन ओपन रखे हैं, तो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल शेयर भी आ सकता है, नहीं तो यहाँ पे राइट इशू आने की संभावना ज़्यादा है कि राइट इशू आ सकता है। अब राइट इशू कितने इक्विटी शेयर ये इशू करेंगे तो इनको जो है 1200 करोड़ रुपये मिल जाएगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो आ जाएगा। देखिए अभी इसका प्राइस जो चल रहा है वो 92 रुपये चल रहा है। अब जब भी राइट इशू आता है तो 92 रुपये पे तो राइट इशू आएगा नहीं, राइट इशू जब भी आता है डिस्काउंट पे ही आता है। अब डिस्काउंट पे पहले इसी 90 रुपये के हिसाब से हम लोग जोड़ देते हैं कि 1200 करोड़ रुपए अगर कंपनी को चाहिए तो 92 रुपए वाले कितने इक्विटी शेयर कंपनी को इशू करने पड़ेंगे, तो जो मैं कैलकुलेट किया हूँ 13 करोड़ इक्विटी शेयर, राउंड फिगर में 1000 लाख में है उसको छोड़ देते हैं, 13 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू अगर 92 रुपये के प्राइस पे करती है तो कुल मिला के 92 रुपये पे अगर राइट इशू लाती है तो 13 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी को इशू करना पड़ेगा। वहीं पर अगर हम लोग देखेंगे, अगर इसी को हम लोग जो मैं मान के चला हूँ कि 65 रुपये के आसपास इसका जो है आएगा, ठीक है ना, 65 रुपये के आसपास मुझे उम्मीद है कि इसका राइट इशू का अगर आता है तो आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लगभग वही 18.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे इसको इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना, 18.5 करोड़ यहाँ से आप लोग काउंट करेंगे, ठीक है ना, दशमलव के बाद से, तो 18.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसको इशू करना पड़ेगा 65 रुपये के रेट से, ठीक है ना। तो जब भी आएगा डिस्काउंट पे, अब 65 रुपये अगर कितना डिस्काउंट आ जाएगा 65 रुपये, तो लगभग लगभग 65 रुपये को अगर हम लोग लेंगे जो मेरा मेन सपोर्ट भी है, 28-30% के डिस्काउंट पे कंपनी जो है राइट इशू कर सकती है। 65 रुपये का प्राइस बहुत परफेक्ट है, अगर इस पे करती है तो और बढ़िया बात है, नहीं तो फिर इसके नीचे करती है तो वो तो धमाका ही हो जाएगा, और उसके ऊपर करती है तो फिर थोड़ा बहुत दिक्कत रहेगा। अब मेन चीज़ हो गया कि जब 18 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी 65 रुपये पे इशू करेगी तो इसको जो है कितना मिल जाएगा, 1200 करोड़ रुपया मिल जाएगा। लेकिन अब 18 करोड़ इक्विटी शेयर जो कंपनी इशू करेगी तो इसके करेंट शेयर से उसका रेशियो क्या रहेगा वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो एग्जैक्ट भी कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं तो इसी के लिए मैं राउंड फिगर के लिए यहाँ पे इसका जो है अपडेट कर लिया। अब इस कंपनी के पास टोटल कितने इक्विटी शेयर हैं, तो कंपनी के पास 114 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, लाख हजार में भी हैं लेकिन उसको छोड़ देंगे हम। अब 114 करोड़ इक्विटी शेयर हैं जिसमें 18 करोड़ इक्विटी शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें से यहाँ पे हम लोग इसका रेशियो निकाल लेंगे तो आ जाएगा कि मतलब एक शेयर कितने शेयर पे पड़ रहा है, इसी 114 में हम लोग 18 से यहाँ पे क्या करेंगे भाग दे देंगे, यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे, 114 में यहाँ पे हम लोग भाग दे देंगे इसमें भी 18 से, तो ये आ जाएगा लगभग 6 आ रहा है, मतलब हर 6 शेयर के बदले में एक शेयर कंपनी इशू कर सकती है, ऐसा यहाँ पे रेशियो निकल के सामने आ रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए मुझे, ठीक है ना, वाले हैं तो ठीक है दोस्तों, मैं वेरीफाई कर लिया हूँ, वही आएगा 6 का रेशियो आएगा 6 शेयर के बदले में, एग्जैक्ट नहीं 6 आएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और प्राइस भी कंपनी ऊपर नीचे कर सकती है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 65 ही रखेगी, 60 भी रख सकती है, 70 भी रख सकती है, कुछ भी, तो एक अनुमानित कहेंगे तो यहाँ पे 1:6 के रेशियो में कंपनी राइट इशू लेके आ सकती है, 65 रुपये के आसपास का इसका प्राइस होगा और टोटल 18 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी इशू करने वाली है अगर राइट इशू आता है तो, और ज़्यादा संभावना है कि राइट इशू आएगा। अब अगर ये कैलकुलेशन आप लोगों को सही बैठी है तो प्लीज करके आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना, दबा के लाइक करिएगा सभी लोग।
आपको क्या लग रहा है कि राइट इशू आएगा प्रेफरेंशियल शेयर आएगा, बताइएगा आप लोग। फिर भी प्रेफरेंशियल शेयर भी इशू करेगी तो उसी में हमको शेयर नहीं मिलेगा, किसी और को शेयर मिलेगा। बाकी वो भी आएगा तो अब वो भी डिस्काउंट पे ही आएगा, प्रेफरेंशियल शेयर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं, लेकिन वो भी 80 रुपये इस तरह से आएगा। तो भी 14-15 करोड़ इक्विटी शेयर कंपनी को इशू करना ही पड़ेगा, मतलब इक्विटी शेयर के हिसाब से ही कंपनी ला रही है तो इक्विटी शेयर तो इशू करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग देखेंगे इसके चार्ट पे तो चार्ट ठीक ठाक बना हुआ है। आज का ट्रेड पहले देख लेते हैं इसका। 75 लाख इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, ठीक है ना, और जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू वही 70 लाख के 70 करोड़ के आसपास आ रही है। और इसका अगर हम लोग देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज तो 42% के आसपास का आ रहा है, 3% की तेजी देखने के लिए मिल रही है। तो अनुमान तो है कि राइट इशू ही आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोला था ये 80 रुपये के लेवल पे, कि हर 80 रुपये के डिप को हमको क्या करना है, बाय करना है। अगर बाय किए होंगे आप लोग तो अच्छा खासा आपको जो है पहला वाला छोटा वाला टारगेट भी मिल गया होगा। अब ये वाला लेवल जब ही ब्रेक करेगा, और ये तभी ब्रेक करेगा जो आपको पता ही है कि अब इसका आ ही चुका है डेट, कल ही है 30 जुलाई, ठीक है ना, और 30 जुलाई को ही ये राइट इशू रिजल्ट इसका आने वाला। अगर ये दोनों चीज़ बढ़िया आया तो फिर इसमें एक बड़ी सी तेजी देखने के लिए मिल जाएगी हम लोगों को, और फिर हम लोगों को 110 रुपये तक का भी ऊपर की साइड में टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो फिर रिजल्ट खराब आएगा तो फिर थोड़ा बहुत वीकनेस इसमें आ सकती है, और ये बहुत ज़्यादा फिर भी गिरावट की संभावना तो नहीं रहेगा। मतलब यही रेंज का जो निचला छोर है 73 रुपये से लेके जो है वहीं 73 रुपये कह लीजिए, 73 रुपये से लेके 80 रुपये का रेंज है, इसी रेंज में आके कंसोलिडेट करेगा। मतलब यहाँ से गिर के यहाँ पे आके इस तरह से कंसोलिडेट करेगा। बाकी फिर भी स्टॉप लॉस जो हम लोग का 66 रुपये का रहेगा वो सेफ रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बहुत ही कचड़ा ना आ जाए, ठीक है ना, तो उसका कोई नहीं जानता, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल जब भी अपडेट आएगा सबसे पहले अपडेट आप लोगों को दे दूंगा, मेरी गारंटी रहेगी। लाइक करिए।